हमारे देश में जितने त्योहार हैं, उतने ही पकवान खाने के बहाने। अनंत चतुर्दशी के शुभ मौके पर आज माँ का स्वाद में मैं मीनू आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से मीठे गुलगुले। सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन में एक कप पानी डालते हैं। अब इस पानी में एक कप कटा हुआ गुड़ डाल रही हूँ। अगर आपके घर में गुड़ नहीं है तो आप गुलगुले चीनी के भी बना सकते हैं। बस ऐसे गुड़ की जगह गर्म पानी में चीनी का घोल बना लीजिए और आगे की सेम रेसिपी फॉलो करिएगा। गुड़ हमारा अच्छे से पानी में घुल गया है और उबाल भी आ गया है। इसको बहुत गाढ़ा नहीं होने देना है, बस यह कंसिस्टेंसी ठीक है। अब गैस ऑफ कर लेते हैं। इसी गुड़ और पानी के घोल को मैं 1.5 कप आटे में मिला रही हूँ। इसको थोड़ा थोड़ा मिलाएं और लगातार हिलाते रहें ताकि उसमें गुठली या लम्स ना पड़े। इस घोल की कंसिस्टेंसी ना बहुत पतली होनी चाहिए ना बहुत गाढ़ी। अगर आपको लगे कि आपका घोल बहुत थिक है तो मेरी तरह आप थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और इस कंसिस्टेंसी तक ले आए। अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ और बस 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर बहुत थोड़ा सा ही डालना है, नहीं तो कड़वा फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं इस घोल को 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। इससे हमारे गुलगुले एकदम फूले फूले बनेंगे। ये घोल अब लाइट फ्लफी और स्मूथ है और तैयार है गुलगुले बनाने के लिए। मैंने डीप फ्राइंग के लिए तेल गरम कर लिया है। अब मैं हाथ में थोड़े थोड़े घोल को लेकर तेल में ऐसे छोड़ रही हूँ। अगर आपको डायरेक्टली हाथ से डालने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ऐसी एक छोटी कलछी या चम्मच से घोल को ऐसे डाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे गुलगुले तेल में नीचे से ऊपर आ रहे हैं और गोल गोल फूल रहे हैं। जब आपका गुलगुला डालने के बाद तेल बहुत गर्म हो जाए तो गैस धीमी कर दीजिए ताकि गुलगुले अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। इन गुलगुलों का बहुत ही अच्छा रंग आ गया है, सुनहरा लाल है। अब मैं इनको निकाल देती हूँ। अगर आप गुड़ की जगह चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुलगुले सफेद बनेंगे। दीजिए, बन गए सॉफ्ट फ्लफी मीठे मीठे गुड़ के गुलगुले। चखिए माँ का स्वाद हर एक बार। देखते रहिए स्वाद अनुसार।